हिमाचल में हाल ही में हुए उपचुनावों में मिली जीत के बाद उत्साहित कांग्रेस गुरुवार को भी एकजुट दिखी। मंडी संसदीय सीट से नव निर्वाचित सांसद प्रतिभा सिंह ने गुरुवार को अपने निवास स्थान हॉली लॉज में कांग्रेस विधायक और पूर्व विधायकों के लिए दोपहर के भोजन का आयोजन किया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू से लेकर कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता लंच पर हॉली लॉज पहुंचे। सभी ने प्रतिभा सिंह को चुनाव में जीत पर बधाई दी। इस लंच डिप्लोमेसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा रही। इसे हॉली लॉज का शक्ति प्रदर्शन बता रहे थे। लंच डिप्लोमेसी के बहाने कांग्रेस की एकजुटता आने वाले समय के लिए कई अहम संदेश दे रही है। मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी यदि एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो जीत की राह आसान होगी। सिर्फ हमारा परिवार है कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेता, सभी विधायक, युवा विधायक, पूर्व विधायक को हमने आमंत्रित किया था, क्योंकि एक जो है ये एक अच्छा मौका है, खुशी का मौका है। और ये जीत सिर्फ प्रतिभा सिंह जी की जीत नहीं है, सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी है। इसीलिए एक अच्छे माहौल को तैयार करने के लिए सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया था। और साथ ही ये जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि एकता का भी हमने एक संदेश ज़रूर दिया है, और ऐसे संदेश देने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि हम सब एक हैं। और इसीलिए आज यहाँ पे सब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उपस्थित था, और हम मिलकर जो है वो आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए सब अपना प्रयास करेंगे और 22 में कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनाएंगे। क्या चुनावों को लेकर आगे जिस तरह से 2022 में चुनाव होने, उनको लेकर भी कोई चर्चा हुई है, रणनीति कुछ? नहीं, वो तो जो पार्टी फोरम पे चर्चा होगी, तो जैसा मैंने कहा कि कल मीटिंग है, वहाँ पे इसके बारे में चर्चा होगी। हमारे जो इंचार्ज हैं राजीव शुक्ला जी, वो भी आ रहे हैं, तो वो भी इस बारे में पूरा रूपरेखा तैयार करेंगे। जो हमारे को इंचार्ज है संजय दत्त जी, वो भी आ रहे हैं। आज तो जैसे मैंने कहा कि सिर्फ एक गेट टुगेदर था, हम सब परिवार हैं, और अभी चुनावों में सब बहुत थके हुए भी थे, तो एक थकान मिटाने के लिए, आपसी भाईचारा बनाने के लिए आपस में बस एक जो है प्रीति भोज का आयोजन जो है हॉली लॉज में किया गया था। और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि आज पहली बारी श्री वीरभद्र सिंह जी की गैर उपस्थिति में ये आयोजन यहाँ पे रखा गया। सब लोगों ने उनको बहुत याद किया, और क्योंकि ऐसे बहुत से दौर इस घर ने, हॉली लॉज ने, सालों से, दशकों से देखे हैं, मगर आज पहली बारी ऐसा हुआ कि इस निवास में सब नेता तो ज़रूर आए, मगर जो प्रदेश के हमारे सबसे शीर्ष नेता थे श्री वीरभद्र सिंह जी, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, आज वो हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित नहीं थे, मगर उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, और इन चुनावों में भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा, उनकी गुडविल हमारे साथ रही, उनके द्वारा किए गए कार्य हमारे साथ रहे, जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में एक कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन जो है हमको देखने को मिला है। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद प्रतिभा सिंह व विक्रमादित्य सिंह द्वारा लंच का आयोजन किया गया। इसमें सभी नेताओं ने अपनी हाजिरी भरकर संदेश दिया कि पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। खास बात ये रही कि इस लंच में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व विधायक सुखविंदर सिंह उपस्थित रहे। सीटों और लोकसभा की एक सीट पर जो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता, उसके बाद कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार का एकता का परिचय दिया, तो उस संदर्भ में प्रतिभा सिंह जी ने अपना लंच रखा था। और उस लंच के संदर्भ में हम सब लोग जो विधायक थे, पूर्व विधायक जिनको बुलाया गया था, उस संदर्भ में सब लोग आए, क्योंकि जो भी चुनाव थे, चाहे वो तीन चुनाव अर्की का था, चाहे आपका फतेहपुर का था, चाहे आपका जुब्बलकोट का ही था, मंडी का था, सब जगह हम लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है सभी लोगों ने। तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि मैं जीती हूँ, तो आप सब लोग लंच में आइए। और इस संदर्भ में जब जीतने में हम लोगों की भूमिका थी, तो हम लोग लंच पर भी आएंगे, और हमारा पार्टी एक है, सारे एकजुटता से आज उनके पास यहाँ लंच किया। एकजुटता जिस तरह से हम भी कह रहे हैं दिखी है कांग्रेस में, उपचुनाव में भी दिखी है, क्या ये 2022 में भी बरकरार रहेगी? देखिए, 2022 में भी एकजुटता ही नजर आएगी, और 2022 को आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस विभाग बटी हुई है, कांग्रेस एक है, लेकिन पार्टी में कुछ महत्वपूर्ण फैसले करने पड़ेंगे, और उस दिशा में पार्टी आगे बढ़ रही है। बीती यादों से
नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा। गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।